कन्नौज में शिक्षक और बीएसए विवाद, सरकारी लापरवाही की भीड़ चढ़ता दिख रहा है। पहुंच वाली बीएसए के आगे जिला प्रशासन और सरकार के मंत्री भी नतमस्तक नजर आ रहे हैं। हाल ये है कि अपने कई दौरों में जिले के प्रभारी मंत्री जांच कराकर उचित कार्यवाही की बात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हुआ कुछ भी नहीं है। इस बार भी मंत्री जी ने कुछ ऐसा ही कहा। कन्नौज में सदस्यता अभियान की शुरुआत करने आए प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने फिर वही पुराना जांच कर कार्यवाही का राग अलापा। कन्नौज के टिकरा प्राथमिक विद्यालय के सहायक शिक्षक सुरजीत सिंह ने बीएसए पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद बीएसए ने दमनात्मक कार्यवाही करते हुए कई शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया। पूरे मामले की शिकायत शिक्षक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में लगाई। सर्वप्रथम में आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर इतनी महान विभूति जिन्होंने इस देश के लिए एक महान योगदान दिया, उनको नमन करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 6 जुलाई से लेकर के 30 नवंबर तक ये सदस्यता का कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसके बारे में मैं समझता हूं विस्तृत रूप से मेरे से पहले आदरणीय जिलाध्यक्ष जी द्वारा और पूर्व वक्ताओं के द्वारा आपको एक विस्तृत जानकारी दे दी गई है। जो सदस्य 50 से ज्यादा, जो पार्टी का कार्यकर्ता 50 से ज्यादा अगर सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाएगा, वह एक सक्रिय कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कहलाया जाएगा। इस अभियान में सब विस्तार योजना, सक्रिय सदस्यता, अल्पकालिक विस्तारिक योजना, दो दिवसीय प्रशिक्षण योजना एवं संगठन चुनाव आदि कार्यालय चलाए जाने की ये सब कार्यालय चलाए जाएंगे।